जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 124 नए मामले सामने आए हैं, जबकि दो लोगों से इस वायरस से मौत हो गई है। ताजा मामलों में अगर बात करें तो 31 मामले जम्मू संभाग से हैं, वहीं 93 मामले कश्मीर घाटी से सामने आए हैं। गुलाम नबी आजाद ने खोड़ अखनूर में जनसभा को किया संबोधित और इस दौरान उनके द्वारा कहा गया कि महात्मा गांधी ने हमें प्रेम और शांति का संदेश दिया है। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। सभी धर्म यही संदेश दे रहे हैं। धर्म कभी किसी को बांटना नहीं सिखाता है। देश के अन्य भागों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोरों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसमें 10 लाख के करीब किशोरों का टीकाकरण हो सकता है। हालांकि सही आंकड़े जुटाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं टीकाकरण पहले से बने केंद्रों में ही होगा। मौसम के बदलते मिजाज के बीच वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए कटरा से सांझी छत के बीच चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल बाधित है। रिमझिम बारिश के बीच धुंध के कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान संभव नहीं हो पा रही है, लेकिन सभी यात्रा मार्ग से श्रद्धालु लगातार माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। गांधीनगर विधानसभा के सुंजवा में बिट्टू शर्मा द्वारा आयोजित रैली में रमन भल्ला का मोदी सरकार पर करारा हमला किया गया। जिस प्रकार उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरह से किसानों से माफी मांगकर 3 काले कानून वापस लिए गए हैं, उसी तरह से अब जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगकर रियासत के दर्जे को बहाल करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जम्मू कश्मीर क्षेत्र की उच्च पहुंच पर अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और साथ ही साथ बताया गया कि पीर पंचाल क्षेत्र के बनिहाल में भी उच्च क्षेत्रों में जो है बर्फबारी हो सकती है। सांबा जिला के मलानी के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 2018 में बनाए गए इस ट्यूबवेल के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है और लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं 2 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से ट्यूबवेल को बनाया जाना था, लेकिन अब तक काम को दोबारा शुरू नहीं करवाया गया। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन के चलते रेल यातायात लगातार 7वें दिन भी प्रभावित रहा। इससे पहले शनिवार को भी जम्मू कटरा उधमपुर के लिए किसी भी ट्रेन का परिचालन नहीं हुआ। जम्मू और कटरा के लिए आने वाली ट्रेनों को नई दिल्ली, बठिंडा, लुधियाना रेलवे स्टेशन तक ही चलाया गया। लगातार 6ठे दिन ट्रेनें रद्द हो रहने से जम्मू रेलवे स्टेशन पर अब सन्नाटा छाने लगा है। भारत में भी कोविड 19 बूस्टर डोज देने की अनुमति मिल गई है। हालांकि बूस्टर डोज पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों को दिया जाएगा, लेकिन बूस्टर डोज लेने वाले लोगों के बीच का अंतर कितना होगा, इसको लेकर अभी मंथन जारी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कोविड 19 वैक्सीन की दूसरी खुराक और बूस्टर डोज के बीच 9 से 12 महीने का अंतर होने की संभावना है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2, हिमाचल में 1, ओडिशा में 4 और मध्य प्रदेश में 8 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा 450 के करीब पहुंच गया।